जोहार दोस्तों, आज मैं आप सभी को झारखंड का फेमस जगन्नाथ मंदिर की सैर कराऊंगा जो रांची के ध्रुआ में स्थित है। हालांकि मेला कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज ही जाके देखा जाए कि आज यानी एक दिन पहले, मेला के एक दिन पहले का क्या कंडीशन रहता है और वहाँ पे क्या तैयारी रहती है। तो ये मैंने सोचा कि आज ही जाके देख लिया जाए। तो कल काफ़ी भीड़ होगी, तो कल तो संभव नहीं होगा सारा कुछ देख पाना और अच्छे से देख पाना मंदिर या फिर मेला या फिर सारा चारों तरफ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज ही चला जाए। तो वहाँ सबसे पहले मैं झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के सह सचिव डॉक्टर बूटन महली जी से मिलूँगा, जो मुझे मेला परिसर की सैर कराएंगे। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले तो कैमरा को बाइक पे सेट कर लेता हूँ, तो ये मैंने सेट कर दिया है, तो चले दोस्तों। तो ये मैं पहुंच चुका हूं ध्रुआ के जगन्नाथ मंदिर, जहां कल से रथ मेला शुरू होना है। तो सबसे पहले डॉक्टर भूपेन जी को ढूंढना है। यहाँ अतिथियों का स्वागत चाय के साथ किया जा रहा है, धन्यवाद। तो अब हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर और देखेंगे कि क्या तैयारी है, क्या चल रहा है वहाँ।
वर्ष हम लोग ये मानेंगे कि श्रद्धा जो है, भक्तों की जो उल्लास है इस रथ के प्रति, इस बड़कागढ़ मेला के प्रति बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमारा जो जिला प्रशासन है, मंदिर समिति है, वो बहुत सक्रिय है। आज से रथ यात्रा का शुभारम्भ है। भगवान का श्रृंगार हुआ, भव्य श्रृंगार हुआ इस नृत्य उत्सव के साथ, और कल 2 बजे भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के साथ नए रथ पे रथारूढ़ होकर अपने मौसीगढ़ यानी गुंडीचा मंदिर को प्रस्थान करेंगे। जी, मंदिर भ्रमण के लिए इस एरिए से आप घूम सकते हैं। पूरे मंदिर का भ्रमण करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये हमारे झारखंड के नागवंशी राजा ठाकुर इंद्रनाथ सादे द्वारा बनवाई गई मंदिर है। ये 1691 ईस्वी में ये शुरुआत हुआ। ठाकुर इंद्रनाथ सादे झारखंड से ये पैदल खाली पैर उड़ीसा जाते थे और वहाँ से दर्शन करके यहाँ आते थे। कहा जाता है कि उनको एक दिन सपना हुआ था और उस सपना में मंदिर मतलब यही बनाने का आदेश हुआ था। इस तरह से मंदिर निर्माण हुआ। झारखंड का गौरव है, जहाँ पर देश के विदेश के सभी जगह के लोग आते हैं। पूरी के बाद दूसरा नंबर जगन्नाथपुर बड़कागढ़ को ही माना जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये हम मंदिर के पिछले हिस्से में आए हुए हैं और आप मंदिर को नज़दीक से देख सकते हैं कि जो बनावट है काफ़ी सुंदर है। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। श्रद्धालु आज से ही आना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कल मेला कल से शुरू होना है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालु आए हुए हैं, वो कुछ बताना चाहेंगे मेला के बारे में। हर साल हम मेला देखने आते हैं सबके साथ, पूरा परिवार के साथ, श्रद्धा भक्ति आस्था से। और इतना श्रद्धा है कि भगवान हर साल हम लोग को बुलाते ही हैं। अच्छा भी लगता है आने में। बस बड़ा मेला बहुत बड़ा मेला भी लगता है यहाँ पे। तरह तरह के राइड्स देख सकते हैं आप। दो साल से लॉकडाउन के कारण कुछ हो नहीं पाया और अभी काफ़ी भीड़ भी होती है यहाँ पे मेला के कारण। बहुत अच्छा लगता है भगवान का, मतलब एक दिन पहले हमने इसलिए आता कि कल के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए हमें एक दिन पहले आके दर्शन करते हैं ताकि अच्छी तरह से भगवान का दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात बताया आपने कि कल 1 तारीख को, चूँकि कल मेला है, तो कल मेला के दिन में काफ़ी सारे लोग अच्छे से नहीं दर्शन कर पाते हैं, मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए बच्चों को लेके आना संभव नहीं होता है। पूरा लाइन लगा के दर्शन करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग एक दिन पहले शाम में आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। तो हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं और जा रहे हैं वापस, देखते हैं मेला स्थल की ओर। चंद्रदेव सिंह संयोजक जगन्नाथ महोत्सव 2022।
आप ये देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्य निदेशालय पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग द्वारा यह बड़ा सा मंच बना है जो राज्य के सभी 2400 जिला के ख्याति प्राप्त कलाकार कल से कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेंगे और प्रत्येक दिन 8 कला दल अपनी प्रस्तुति देंगे। और हमारे इन 10 दिन में जो ये कार्यक्रम चलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और कल इसका शुभारम्भ हमारे झारखंड के पद्मश्री नायक जी एवं मधुमंसूरी हसमुख जी कल इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। नमस्कार जोहार, मैं बनफुल नायक सहायक संयोजक जगन्नाथपुर महोत्सव द्वार में बैठे, और कल से जो आयोजन का शुरुआत होने जा रहा है उसमें आप सीधा समझ सकते हैं कि झारखंड की बहुरंगी संस्कृति आप लोगों को एक मंच में देखने के लिए मिलेगा। और इस मंच के माध्यम से बहुत सारे से लोग कलाकार हैं जिनको अभी तक मंच नहीं प्रदान किया गया था, वैसे लोगों को खोज करके सुदूर गांव क्षेत्र से तलाश करके उनको तराश करके तैयार करके इस मंच में लोगों को प्रस्तुति के लिए अवसर दिया गया है। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को कि उन्होंने इस तरह का आयोजन करके और इन कलाकारों को एक मौका दिया है अपने कला को लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के इस भव्य आयोजन जगन्नाथ महोत्सव 2022 में आइए और झारखंड की कला और संस्कृति के साथ जुड़ करके और इस आयोजन को सफल बनाइए। जोहार, धन्यवाद। यहाँ पे जो मंच बना हुआ है झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति द्वारा रांची के द्वारा, और इस बैनर तले यहाँ पे काफ़ी सारे स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और जो मेला को काफ़ी सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। हर साल की भांति इस साल भी ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम मिलवाते हैं डॉक्टर भूटन महली जी से। आज हम लोग खास करके बड़कागढ़ रथ मेला के उपलक्ष्य में झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति करीब 300 स्वयंसेवकों को लेकर के यहाँ पर स्थित हैं। ये हमारा पंडाल जो देख रहे हैं झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति का, ये हर साल पंडाल लगता है और यहाँ पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति विशेष काम करती है। ये हमारे कार्यालय सचिव बिरसा भगत हैं। हम लोग 20 वर्षों से इस मेला में सेवा दे रहे हैं और इस
मेला परिसर में हमारा समिति के सहसेवक लगभग महिला और पुरुष 300 सेवा दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो समिति है यहाँ के सदस्य हैं, जैसे सर ने बताया है कि अभी इनके पास 300 स्वयं सेवक हैं जो निस्वार्थ भाव से मेला को सुचारू रूप से संचालन में अपना योगदान देते हैं। हर साल की भांति इस साल भी ये लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सदस्य लगे हुए हैं यहाँ पे, और इनका काम ये होता है कि मेला में किसी तरह गड़बड़ी ना हो, पॉकेटमारी ना हो, किसी तरह का दुर्घटना ना हो, तो उसके लिए ये प्रशासन का को अपना सहयोग देते हैं, मेला समिति को अपना सहयोग देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका पंडाल लगा हुआ है और ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहते हैं। तो मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा भावना से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मेला में ज़रूर आए और मेला का आनंद लें, और किसी तरह की परेशानी हो तो आप इस समिति के सदस्यों से आप संपर्क कर सकते हैं। इनका पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है, ये बैनर इस तरफ लगा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी रात के 9:30 बज चुके हैं लेकिन भीड़ अभी भी काफ़ी है, लेकिन मुझे चलना चाहिए वापस। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। जोहार।